बस एक छोटा सा सपना है, ये अभी जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये जुहू बीच से ऑलमोस्ट 700-800 मीटर का रास्ता है, और ये जो होर्डिंग लगा है यहाँ पे एक दिन अपनी तस्वीर लगी हो बस यार। और यहीं पे क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता है इधर से आते हुए सीधा जो भी जुहू बीच से आता है उसकी नज़र इन दो होर्डिंग्स पे पड़ती पड़ती है, इसलिए यहाँ पे इतने खास बनाए गए। और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे एप्पल के ही लगे होते हैं। अभी यहाँ पे कुत्ते मज़े कर रहे हैं, कुछ देर बाद आदमी आ जाएंगे मज़े करने के लिए। लेकिन ये किस कैटेगरी में आते हैं इस वक्त? रेत उड़ा उड़ा खेल रहे हैं। होली आने से पहले रेत की होली खेली जा रही है भाई। यार कहते हैं कि मुंबई नगरी सोती नहीं है, असल में बहुत बड़ा झूठ है ये, क्योंकि नगरी तो सो जाती है, असल में लोगों की आंखों में जो बसे सपने हैं वो उन्हें सोने नहीं देते। सोने जाते हैं तो हमेशा उनके जो सपने हैं उनको क्लिक करते रहते हैं, उठ जाग कर कुछ। और शायद अब वही समय मेरा है। बहुत देर तक मैं घर पे आज रात लेटा रहा, 3 से 4 घंटा अल्टी पल्टी बेड पे लेता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि शायद अब मेरा समय आ गया है उन सब चीजों को रियलाइज करने का, उन सब सपनों को सच करने का जो कि कभी देखे थे। कल कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसी थॉट आई दिमाग में कि वो मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। कल पूरा दिन मैं परेशान रहा रात को कि ये चीज तो यार अब पूरी होनी चाहिए। लेकिन शायद वो चीज रियलाइज करने का वक्त आ गया कि अब वो करना ही पड़ेगा ब्रो। प्लेन गया सर से, पता नहीं कितने लोग अपने सपनों को बिस्तरों में अपने बैग्स में बांध के निकल लिए होंगे। ये चीज नहीं करनी। लेकिन ये बेचैनी है ना जो रात को सोने नहीं देती कि अपने सपनों के पीछे भागो, इस अंदर जो समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं। समझ में नहीं आता इससे परेशान होना चाहिए या फिर खुश होना चाहिए। इतनी एक्साइटमेंट लेवल वो तुम्हारा बढ़ा देता है कि नहीं सो पाओगे भाई अगर ये चीज तुम्हें रियलाइज हो जाए कि भाई तुम्हें कुछ करना है, जो तुमने सोचा है वो चीज होना ही है किसी भी हालत में। खैरी सारा सेंटीपना छोड़ दे हुए, मैंने अभी अभी रियलाइज किया कि लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए भी आ गया। शायद अक्षय कुमार भी भटकता हुआ मिल जाए कहीं पे, क्योंकि मैं उसके घर के बहुत पास हूँ। जू बीच है ना ये, तो 4 बजे का बोलते हैं कि 4 बजे के आसपास वो भटकने के लिए आता है इधर भागने दौड़ने के लिए। अगर उसको शूट पे ना जाना हो तो की बात है। ये देखो हमारे पीछे कहाँ गए, पता नहीं स्क्रीन में दिख रहे हैं या नहीं, एक्सरसाइज हो रही है। अच्छा मैं बोल रहा था कि कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं के भी बूढ़े हो, गांव के हो या फिर शहर के हो, कोई डिफरेंस नहीं है। सुबह सुबह उठ के निकल लेते हैं घर से। अब जैसे कि मेरे पीछे बूढ़ों की एक टोली आ रही है, हर हर महादेव करते हुए पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या गा रहे हैं। हरि हरि बोल। और ये पता है कचरा किसने किया है? जो इतने सारे काले कौवे हैं ना, इन्होंने किया है, हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है ना।
एक दूसरे को गाली मत देना। अच्छा, ये सब सुबह सुबह सेंटी बनने की बातें कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे भाई के सपने पूरे नहीं हुए। दिक्कत तुम्हारे भाई निखिल की ये है ना कि जब भी कोई सपना देख लेता है कि भाई हाँ ये चीज़ अब ये करनी है, तो उसकी बेचैनी हो जाती है यार कि वो जल्द से जल्द होना चाहिए। अभी तक जो जो मैंने सपना देखा है अपने लिए कि मेरे को ये करना है, वो मैंने किया है और जल्द से जल्द किया है। अब नई इच्छा आ गई है यार मन में। मैं बहुत लालची इंसान हूँ और शायद इस तरह का लालच अंदर होना चाहिए कि एक काम खत्म करो दूसरे की तरफ बढ़ो। वही सीन है अभी मेरे साथ भी। एक ऐसी थॉट आई है ना दिमाग में, उसने मेरे को रात को सोने नहीं दिया यार सच्ची। और अभी भी उसी थॉट को मैं लेके घूम रहा हूँ उसके सॉल्यूशन के लिए कि क्या कैसे किया जाए। सिर्फ इसलिए मैं ये कैमरा लेके निकल आया हूँ, जैसे कि मैं कब से चाहता था यार कि मैं ये व्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट करूँ, तो आखिरकार कर दी है। छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद अब शायद धीरे धीरे आदत पड़ रही है कि हर जगह पे कैमरा कैरी करके घूम रहा हूँ। चलो आज से डेली व्लॉगिंग की शुरुआत कर ही देते हैं। जो होगा नेगेटिव वो पॉजिटिव वो हर चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे, उससे क्या होगा कि तुम लोगों की वजह से तुम लोग देखोगे, मेरे ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि करना है कुछ तो करना है, दिन बर्बाद नहीं होना चाहिए। सर चाय कॉफी है? चाय कॉफी। चाय कितने का? 20। एक चाय दे दो। के पूरी रात रहते हो क्या यहाँ पे? अच्छा सुबह सुबह आए हो? अच्छा किंट भाई चाय पीना इतना मस्त हो गया था ना अभी, और मैं शायद इसलिए समुद्र को ज़्यादा पसंद नहीं करता। आज आ गया हूँ तो मेरे को अभी अभी सुबह सुबह ही इतनी गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है। नहीं गर्मी में भी मेरी जुकाम हो गया है, मुझे नज़ले की फीलिंग आ रही है। लेकिन भाई ने चाय मस्त दी है, भले ही सिर्फ 20 रुपये की हो, सिर्फ 20 रुपये की दी है, बढ़िया है। कॉफ़ी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, चाय ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन चाय भी सिर्फ कभी कभी, जैसे कि अब मेरे को ज़ुकाम की फीलिंग आ रही थी तो ले ली। ये पता है ना प्यारा सा शॉट क्यों लिया? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये क्या है, मतलब ये सब ये क्या है? आपको क्या लगता है ये जो कप है यहाँ पे, ये किसी गरीब इंसान ने किसी अनपढ़ इंसान ने फेंके हुए हैं? नहीं, ये सारे कप अभी सुबह सुबह के फेंके हुए हैं, पता है? क्योंकि जैसा कि मैंने कंफर्म किया कि ये जो भाई है चाय बेचने वाला है, रात को नहीं रहता, सिर्फ सुबह को आता है। और सुबह सुबह यहाँ पे कौन भटकता है? पढ़े लिखे लोग जो कि दौड़ने के लिए आते हैं, या फिर क्लब वगैरह से निकल के, जैसे कि संडे था अभी मंडे की मॉर्निंग है, दारू शारू पीने के बाद यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आते हैं, आराम करने के लिए दारू पीने के बाद। यप, ये मुंबई का लॉजिक है, चिल करने आते हैं, क्लब के बाद उनको चिल करना होता है तो वो यहाँ पे आते हैं गंदगी फैलाने के लिए। खैर हम ऐसा नहीं करने वाले, हम अपना कप उठाएंगे डस्टबिन में फेंकेंगे, और डस्टबिन दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये सामने दिख रहा है ना, ये डस्टबिन है, ये बिल्कुल सामने पास में डस्टबिन है। और मेरे ससुरे ये जो कद्दू किस्म के लोग होते हैं ना, जीने का हक है नहीं लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी। खैर अपना काम करते हैं हम, अब इतने भले नहीं है कि दूसरों एक कप उठा के फेंकेंगे, अपना तो फेंक ही सकते हैं। गो गोवा गोन।
आज तो सूरज देवता ने भी हद ही पार कर दी है, आ ही नहीं रहे बाहर, बस नीली नीली रोशनी भेजी है अभी। दिख रहा है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन देखो पूरा जो ग्रुप है, ये ग्रुप है कहाँ गया, ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले सिर्फ 3 लोग थे यहाँ पे, अब धीरे धीरे इतने सारे हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता ये पेड सर्विस है या फिर फ्री करा रहा है बंदा, लेकिन अच्छी बात है यार। उन दिनों की याद आ गई जब मैं कभी क्रिकेट खेला करता था और इस तरह सुबह सुबह हमारी क्लास लगा करती थी। ये क्या हिल रहा है? प्रकाश तो अकेला नहीं है दोस्त, तो ये टक्कर देने वाले हैं दुनिया में, देख। वाह यार, लेकिन क्या सही है। अच्छा वैसे तुम लोगों को भी लगता है क्या कि अंधेरे की जो दुनिया है वो ज्यादा मस्त होती है? थोड़ी सी रोशनी हुई है, मुझे बुराई ही बुराई है नजर आ रही है यार। कितनी भीड़ हो गई, कितना सुकून था यार बीच पे अंधेरे में। और बस अब ये बकवास मत सोचने लगना कि भाई जो बंदा जैसा होता है उसको वैसी चीज़ें दिखाई देने लगती है, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि हम बुरे हैं। अच्छा चलो बुरे हैं भी तो हम थैनोस की पार्टी वाले लोग हैं, हम मानते थे कि 50% खत्म हो जानी चाहिए। हेल थैनोस। बल्कि 50% खत्म क्यों होना है, मैं तो कहता हूँ एक बार ज़ोंबी अटैक हो जाना चाहिए, सब खत्म। और फिर बस आप ऊंची सी बिल्डिंग पे बैठेंगे एक स्नाइपर लेके अनलिमिटेड बुलेट्स के साथ, तब आएगा मजा, स्नाइपर एलीट खेलेंगे। Whip up my appetite. Don't leave me here.
तो ये सब एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती है जुहू बीच पे। हाँ, ग्रुप्स बनते हैं और सीखते हैं खुद से। हाँ, कुछ ट्रेनर्स होते हैं, वरना दोस्त तो है ही। So that's how they do it. तो आई थिंक अभी सुबह तक का जो किस्सा है व्लॉग का यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो जुहू बीच का है। आगे कभी दोस्तों के साथ आना हुआ तो करेंगे, या खेला आया तो फिर शूट करेंगे, और जो दिखाना था दिखा दिया कि क्या क्या एक्टिविटी होती है यहाँ पे। चलो निकलते घर की तरफ भाग के। ये देखो, अभी वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ये बीच में से गया। ये देखो, ये सीन हुआ। भाई साहब।